नमस्ते जी, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये है सुबह का टाइम और दिन है मंगलवार, तो मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। इकट्ठी आज दोनों साथ में ही हो जाएंगी, क्योंकि मुझे बनाने छोले, और ये स्पेशल फरमाइश हुई है यथार्थ की कि मम्मा मुझे छोले चावल लेके जाने आज मेरा दिल है। बहुत रेयरली वो कोई ऐसी चीज़ बोलता है, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ मैं। तो अब जो रात के बर्तन धुल के रखे जाते हैं उन्हें भी मैं साथ साथ रख रही हूँ, क्योंकि रात को बस धोने के बाद छोड़ देती हूँ, टोकरे में पानी वानी निकल जाता है, तो फिर दोबारा मैं आती नहीं हूँ रखने के लिए, फिर मॉर्निंग में ही रखती हूँ इन्हें। तो वही मैं अपना बर्तन वगैरह सेट कर रही हूँ टोकरे में, और इसके साथ ही अपना छोटे मोटे जो किचन के और काम होते हैं वो कर लूँगी। और साथ में उसके बाद मैंने जो है छोले बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। छोले बॉयल करते टाइम मैं हल्की सी इसमें हल्दी भी डाल देती हूँ और नमक, और साथ में इसमें मैं डाल देती हूँ हींग। तो छोले बॉयल होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, ये लड़का फिर से सो गया। और क्या भाई, क्या चक्कर दे रहा है? और क्या चक्कर दे रहा बेटा? नींद तो सारा दिन आती है, गर्मी का मौसम है। हाँ, कितना डिस्टर्ब रहा बताइए जरा। देख ले बेटा, फिर आज आज छुट्टी करनी है, उसके बाद नहीं मिलेगी छुट्टी। है? क्या तरीका है आपका? क्यों, क्या हो गया? इसमें तो क्या ही कोड कर रहे हैं, कर भी लो बेशक से, पर यार ये रोज का ड्रामा, उसको उसकी हाँ में हाँ मिला देते हो। बेटा ऐसे काम चलता है क्या? है एक बार आलस लगता है, एक बार में खड़ा हो गया, ठीक है कुछ नहीं होता। वो तू 10 मिनट 15 मिनट बाद उठेगा, 1 घंटे बाद उठेगा ना, आलस तब भी इतना ही आएगा। उठ जा, मुझे पता है रात को डिस्टर्ब रहे हैं, पर वो तो सारी रहे, मैं नहीं उठी हूँ क्या? फिर पापा नहीं उठे हैं आपकी? ना इतनी आदत खराब है हद से ज्यादा, सुबह सुबह दिमाग खराब करते हो, उससे ज्यादा आप करते हो। स्कूल से उसका नाम ही कटवा दो, घर ही रख लो उसको। कभी कहेंगे गर्मी हो रही है, क्यों भेजू इसको, कभी कुछ बताएंगे। चल फटाफट उठ बेटा, चल। गाइस आप भी बताना कि आप भी अपने बच्चे के साथ ऐसे करते हो? सुबह का डेली का ड्रामा है, जिस दिन गर्मी ज्यादा हो रही होगी उस दिन उसे उठाने आएंगे ना, उसको बोलेंगे चला वैसे आज गर्मी ज्यादा है सवेरे से ही। ये कोई तरीका थोड़ी होता है? गर्मी वैसे ज्यादा आज, बेशक हो, आज भी बारिश होने की संभावना है, तो जाना है बेटा, ठीक है ना? एक दिन में इतना लॉस हो जाता है, फिर बच्चों से काम मंगाना किस लिए? अब तेरे दोस्त मंगाते हैं तुझसे, फिर तू उनसे मंगाएगा। ऐसे नहीं करना, खड़ा हो जा खड़ा हो जा, और आप भी सुधर जाओ अपने आप सुधर। मैं तो सुधर आया बोली, मैं तो रोज ऑफिस जाऊं। ये देख अपनी नोटबुक्स वगैरह देख, कौन कौन सी रखनी है। Hey guys, good morning and good welcome morning. And welcome to a new vlog. Guys, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। Guys, असल में ना आधी रात को टॉयलेट आ गया, पापा के साथ गया, फिर guys मेरे को नींद नहीं आई, और जब उठने का समय हो गया तब नींद आई। अब तो जाना पड़ेगा स्कूल। तो जाना पड़ेगा बेटा, स्कूल की छुट्टियां थोड़ी लगेंगी डेली, समझा? छुट्टियां मारोगे तो फिर सिलेबस छूट जाएगा। हाँ जी, क्या ये तरह तूने तय कर दे फटाफट, कहाँ तुम मजे ले रहे सुबह सुबह ब्लॉगिंग के? ये एकदम सारी चादरें कर दे, दिखा चादरें तूने कैसे गिरी। हाँ, ये सारी चादरें तय करके जा। तो गाइस बस आप हमारे साथ बने रहिए बाकी का ड्रामा देखने के लिए। बस इतने तो गाइस बस बने रहिए हमारे साथ और देखिए। तो मैं यहाँ पे प्याज और लहसुन जो है वो छील रही थी, यथार्थ को नहाने के लिए भेज दिया था। वैसे भी इन दोनों के नहाने के बाद मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं वॉशरूम को अच्छे तरीके से साफ़ करके वाइपर से वाइप करके तब आती हूँ, अदरवाइज़ सारा दिन फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इस वजह से मैं इन दोनों के बाद में जाती हूँ, लेकिन खाना मैं नहाने के बाद ही बनाती हूँ। तो आज तो सुबह से ही मेरी और इनकी किसी न किसी बात पर बहस हो रही थी, खट्टी मीठी, क्योंकि प्याज बिल्कुल छोटी छोटी थी और ज़्यादातर गली हुई थी। सस्ती प्याज के चक्कर में पता नहीं किसी से ऐसी ही प्याज ले ली थी इन्होंने, और मैं उसी दिन बोल रही थी कि ये छोटी छोटी हैं और इनमें से गली भी निकलेंगी। तो उसी बात पे मेरी और इनकी हो रही थी छोटी मोटी खट्टर पट्टर सुबह के टाइम। तो कोई कोई दिन ऐसा होता है सुबह से ही कोई ना कोई रीज़न मिलती रहती है।
जी नहा धो के आ गई मैं। अब आज मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया नहाने से पहले, एक्चुअली थोड़ी सी लेट हो रही थी मैं, फिर मैंने कहा चलो पहले नहा के और ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो मैं छोले वगैरह में तड़का लगा लेती हूँ और चावल बना लेती। तो यहाँ पे मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही थी, फिर मेरे याद आया कि पिछला व्लॉग जो गया है उसमें भी मैंने छोले ही दिखाए थे। छोले की सब्जी नहीं बनाई थी उस दिन मैंने, यथार्थ के लिए वैसे ही बॉयल किए थे छोले। लेकिन वो व्लॉग जो है ना वो 2-3 दिन का व्लॉग है, वो फ्राइडे का व्लॉग है, गया है वो मंडे को। एक्चुअली क्या था कि जैसे मम्मी जी आए हुए थे तो मैं फ्री होने के बाद मम्मी के पास बैठ जाती थी और रूटीन में व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो कभी थोड़ा बहुत एक दिन का ले लिया दूसरे दिन का, तो इस तरीके से चला हुआ था। तो यहाँ पे मैंने यथार्थ के लिए छोले चावल ठंडे कर दिए हैं पैक करने के लिए और दही दे दिए साथ में। बाय। और अब पतिदेव के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि मैं नॉर्मली बताती ही रहती हूँ अपने व्लॉग में कि मॉर्निंग में उनको चाहिए होते हैं परांठे, चाहे जो मर्जी बना रखा हो किसी के लिए कुछ भी बने, पर उनकी कोशिश रहती है कि भाई मेरे लिए तो परांठे ज़रूर बने। और भी पता है क्या करते हैं साथ में, मतलब अगर कुछ बना हुआ है ना तो वो थोड़ा सा ले लेंगे फॉर्मेलिटी के लिए बस, फिर कहेंगे कि मेरा एक परांठा ही बना देना। तो यानी चाय के साथ परांठा ही इनका ब्रेकफास्ट होता है, तो बस वही मैंने बना दी है। चाय बन चुकी है और इनके लिए परांठा बना दिया है। और एक बात बताऊँ आपको, कुछ आदतें बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, परांठे भी ना अलग अलग शेप में चाहिए, स्क्वायर शेप में, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा बना दे आज वैसा बना दे, तो ऐसे रहता है। तो बस मैंने इनके लिए बना दिए हैं 2 परांठे और अपने लिए एक फुल्का ले लिया था और चाय हो गई थी। यथार्थ तो मॉर्निंग में छोले जो हैं, छोले की चाट बना दी थी मैंने, वो खा के गया है, और चावल और छोले मैंने उसके पैक कर दिए थे। तो इस तरीके से था आज का ब्रेकफास्ट। तो अब यथार्थ की पंजाबी की बुक लेने के लिए हम लोग आए थे, बड़ी मुश्किल से मिली है, कई बार चक्कर काट चुके हैं, तो फाइनली आज मिल गई है। यहाँ पे आए हैं हम मोची भैया के पास। कई सारी चप्पल ऐसी थी जिनकी जो स्टेप्स जो हैं वो ख़राब हो गई थी और वो ऐसी पड़ी हुई थी घर पे, तो मैंने कहा चलो कभी कभार इमरजेंसी में कोई आ जाए तो काम आ जाती हैं, तो हम इन्हें लेकर आए थे। और मुझे बचपन की याद आ रही थी क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तो इस तरीके से अलग अलग तरह की स्टेप्स डलवा के चप्पल में बहुत सारे लोग बच्चे डालते थे। और कई बार तो मम्मियाँ क्या करती थी, कुछ एक बच्चे जो मैंने देखे हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं था, बट मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो घर पे ही उनकी मम्मियाँ टांग दिया करती थी चप्पलों को भी, तो वो भी एक टाइम था। तो जी अब है रात का टाइम, बज चुके हैं 10:15, दिखाई नहीं देगा आपको, 10:15 हो चुके हैं। यथार्थ का थोड़ा बहुत काम रहता है तो वो कर रहा है ये अपना। और आज सुबह पता क्या हुआ था, कुछ तो आज ये सुबह उठा लेट, ठीक है, नखरे कर रहा था उठने में ही, क्योंकि थोड़ी रात को प्रॉब्लम थी लाइट की हमारे यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा सा लेट सोया था। और फिर क्या हुआ, यथार्थ के पापा जो है उन्होंने अपनी बाइक की बैटरी चेंज करवाई है, तब से बाइक में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अपने आप ही रुक जाती है, तो रही सही कसर वहां पूरी होगी,
कि बाइक रास्ते में रुक गई और ये और लेट हो गया बेचारा। बेचारा तो नहीं है वैसे, मतलब चलो जो भी है। तो फिर इसको आज 15 रुपीज का फाइन लग गया यथार्थ को लेट होने की वजह से। और इसके पापा कहते हैं ना भाई यह तो बात गड़बड़ होगी, 15 रुपए के तो 3 गोलगप्पे आ गए। ऐसी तो बोल रहे थे, कहते उसको ना भाई 15 रुपए के तो 4 गोलगप्पे आया, नुकसान करा दिया। तो आज इसको समझा रहे थे ठीक है 7:15 बजे निकल लेना है, कल से टाइम से पहुंचना है स्कूल, ये हुआ है। मैंने कहा कैसे है देखो, फाइन लग गया तो पता लग गया टाइम से पहुंचना है, नहीं तो वो तो थोड़ा बाइक की वजह से ही हुई गड़बड़, अदरवाइज टाइम से ही पहुंच जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट फिर भी ना शोर बहुत मचाना पड़ता है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, है ना। था सुबह रात को लेट सोता है, अभी ये देख लो आप, है ना, ऐसे मतलब काम सारा हो भी जाता है इसका, फिर भी पता नहीं क्या वहम रहता है दोबारा दोबारा ले। मैं ना हाँ वही ऐसे ही करता है, मतलब काम स्कूल का हो भी गया फिर लेके बैठ जाता है, पता नहीं इसको क्या डाउट रहता है कि ये रह गया ये कर लू वो कर। तो उस चक्कर में अभी देख लो 10:30 तो बज ही चुके हैं, समझो आगे से नुकसान नहीं करवाना अपने गोलगप्पों का, नुकसान नहीं करवाना क्या है। तो ठीक है गाइस, करते हैं आज इस व्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। गाइस बाय, और गाइस जल्दी उठना नहीं तो गोलगप्पों का नुकसान हो जाएगा मेरी तरह, और गोलगप्पे खाते रहना, और बाय।